सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं बज रहे हैं सुबह के 8। मैं उठ चुकी हूँ और मैं रंग चेंज करके थोड़ी सी, लेकिन मौसम बारिश जैसा हो रहा है तो मुझे पता है कि आएंगे तो बोलेंगे ज़रूर चल बारिश में नहाने चलते। पहले मैं रेडी हूँ और मैंने बच्चों को भी रेडी कर रखा है, ये आएंगे तो हम सीधा बाहर नहाने जाएंगे क्योंकि बारिश जैसा मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि एकदम बारिश हो सकती है कभी भी। और गुड़गांव में तो अभी ऐसा हो रहा है इस टाइम पे कि बारिश होना ना होना एक बार अगर आ भी रही है तो उसको इंजॉय कर लो कि वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आएगी, आएगी 10-15, 15-20 मिनट के लिए आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो भाई ये आने वाले हैं, फिर हम चलते हैं बाहर नहाने के लिए। मुझे पता है फोर्स करेंगे, इसलिए हम पहले ही रेडी हैं, मैं भी और बच्चे भी। देख लो भाई, इनको भी मैंने पहले रेडी कर रखा है, चले नहाने के लिए, ये भी बोल रहे नहाने चलते हैं। तो चलो लेट्स गो। तो भाई बारिश हो रही है, तो बारिश वैसे रुक चुकी है पर फिर भी हम थोड़ा बहुत तो मज़ा ले सकते हैं बारिश का। चल लगा है उधर है दोनों, तो दिखाती हूँ उन दोनों को भी, जैसे लेके चलते हैं उधर। चुपचाप चुपचाप किधर है ये बैठे दोनों, मस्त मस्त लग रहे। कैमरा 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 कैमरा, यहाँ बच जाएगा कैमरा। अब उधर लाओ, बारिश तो आई हुई है लेकिन बारिश अभी थोड़ी ही है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये क्या कर रहे हैं, रुक भी गई बारिश, देख लो जब बारिश जोर से आएगी तभी नहाऊंगी मैं ऐसे क्यों भीगू। मैं आपको अपने बच्चे दिखा देती हूँ, किधर है दोनों, इनको नहलाने के लाई थी मैं, इन दोनों का ये रहा बाथटब, ये बैठे दोनों। ओ बारिश सूख गई, तो भाई थोड़ा गंदा हो रहा है ये नीचे, इसको भी वॉश कर ही लेते हैं साथ साथ। ये गंदा है तो क्लीन करने में ही फायदा है, कितना गंदा मेरे से देखा नहीं जाएगा। अरे ले आओ आगे से वाइपर जरा, किधर हो, देख क्यों नहीं रहे, वाइपर लाओ मैं साफ करूँ। इतनी बारिश आनी थी क्या? बस इतनी आनी थी, पर पहले तो सही आ रही थी बारिश, तू ही लेट आई है। हाँ कुछ मिनट के लिए तो आई बारिश, पीछे गाड़ी ओके। बारिश तो इतनी आई भी नहीं यार, आई भी किधर आएगी, कभी आएगी, तो चली गई। अब सूरज सूरज आएगा, मामा सूरज चाचू आएगा। बेचारे ये भी सोच रहे थे बारिश आएगी ना लेंगे, बारिश चली गई आते ही। इनको ऊपर सरका दो थोड़ा सा, गिर जाएंगे नहीं तो। ऊपर देखते हैं तो ये बारिश आएगी। तो भाई थोड़ा सा गंदा है, उसको साफ कर ले। तो आगे से वो ले आओ वाइपर एक बार, आगे से वाइपर ला दो एक बार, ला दो प्लीज। तो भाई जो लोग अपना मेकअप ब्रश नहीं धोते हैं, महीने दो महीने चार महीने या साल, वैसे मैं बता दूँ इनमें इतने बैक्टीरिया होते जितने आप एक फ्रेश होने के उस पर पोट पे उस पर। ये तो बात है, जबकि मैं इसको 3 बार क्लीन कर चुकी हूँ, अभी रात को और थोड़ा दोबारा रखा था, अब जाके थोड़ा क्लीन हुआ है। ठीक है, तो नहीं धोते ना भाई, इनको धोना शुरू कर दो वरना तो इतनी बीमारियाँ हो जाएंगी ना। वैसे तो इनको हफ्ते में, अगर जो मेकअप ज़्यादा करता है उसको इसको हफ्ते में रिमूव करना चाहिए, जो कम करता है वो महीने में कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बहुत ज्यादा करता है वो तो दूसरे तीसरे दिन कर ले भाई, उसके लिए अच्छा है। भाई ये देखो यार कितना है यार, मतलब जितना एक शीशी में मेकअप नहीं होता ज्यादा इसमें, लेकिन इसमें बैक्टीरिया भाई इतने हैं कि आप इसकी ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ये तो माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है ना, जैसा ये था ना अब इसका ओरिजिनल कलर आ गया। मैंने सारी चीजें वॉश की थी, ब्रश वगैरह सब कुछ, तो ये धो लिया करो, इनका मेकअप का शौक ज्यादा, मेरे को तो ज्यादा नहीं है पर मैं फिर भी कल धो लिया, इसलिए कि इसे कभी कभी यूज हम कर ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि यूज ही नहीं करते, हर कोई थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी कर ही लेता है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये आए थे,
सबसे ज्यादा तो वो क्लीन हो गया। इसको मैंने पूरे दो रात दो दिन रखने के बाद देखो ये निकला इसका। और इसका इतने दिन बाद इसका ओरिजिनल कलर आया, ये इसका ओरिजिनल कलर है। तो भाई रिमूव कर लिया करो, वॉश कर लिया करो, नहीं तो जो कहते हैं ना कि फेस पे पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, एक्ने क्यों हो रहे हैं, ऑयल क्यों आ रहा है, और ये वो जो मतलब नोज की साइड व्हाइट व्हाइट हो जाता है, क्यों ये इसी रीजन से होता है कि हमें पता चलता नहीं, वो स्किन पे जाते हैं वो रिएक्ट करते हैं, उस तरीके का रिएक्ट करते हैं। भाई मेरा तो साफ हो गया, आप लोग भी दीमक निकालते निकालते मेरा दीमक निकल गया। तो बाथरूम गंदा हो गया क्योंकि दीमक में मिट्टी मिट्टी बहुत होती है, वो मिट्टी क्लीन करने के चक्कर में मेरा दीमक हो गया। अच्छा खासा नहाया धोया इंसान गंदा हो गया। तो अपना लीची वीची मैं कट कर लेती हूँ, और साथ साथ इसके बाद बनाऊँगी मैं अपने लिए पनीर का पराठा। सब्जी बनाने की हिम्मत नहीं बच रही मेरे अंदर। तो भाई किस किस को लीची अच्छी लगती है, और पीछे मेरे पति को इग्नोर करें, तो बाथरूम साफ़ करी थी इसलिए ये बर्तन साफ़ कर रहे हैं, अदरवाइज मैं इनको बोलती भी नहीं, मैंने बोला भी नहीं। इवन मैंने खुद देख लिया कि वो बाथरूम साफ़ कर रही है, इसको समय लगेगा क्योंकि तो मैं भी सुबह ही मील ली है, उसके बाद मैंने भी कुछ नहीं खाया, तो हम दोनों सेम ही हो रहे एक तरीके से। यार तो सुंदर से आ रहे हो भाई, जो जो घर में काम करता होगा ना उसे खूब अच्छे से पता होगा कि घर में काम करने का मतलब क्या होता है ना। ये तो नहीं करता होगा उसे तो भाई क्या ही बोलें फिर। ये घर में काम नहीं, काम कोई सा भी मैं इससे वो करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। काम कोई भी नहीं, घर में तो घर का ही काम होगा ना यार। अरे नहीं, काम कोई सा भी हो जाए, बंदा कहीं पे भी जा। अब जैसे तो मैं उसको बोल रही थी शॉप वाले को कि भैया मुझे भी रख लो जॉब पे, अगर आप ये काम करोगे तो क्या हो गया, आप क्या होता है, क्या मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ, क्यों भाई काम कैसा भी हो और एसी में बैठने को मिले तो कौन नहीं करेगा, क्यों वो लोग तो पूरे दिन एसी में बैठते हैं। वैसे भी दिस इज माय रिंग, आरटीवी चल रही है, डब्बे में डाल के दे दिया जो वो है, मैं वही बताऊंगी भाई, ये तो सच बताएंगे नहीं, वो सिर्फ वीडियो में एक क्या कहते हैं वो था ना, मतलब उसके लिए थंबनेल के लिए एक्टिंग उक्टिंग थी वो बस, ठीक है ना। कि आप लोगों जैसे सबको पता ही होगा ये चीज़ तो कि मैं, अच्छा वो छोड़ो ये बताओ किसने मुझे गोल्ड पहनते हुए देखा है आज तक। भाई मेरे पास ना हैगा ना मैं पहनती, और मेरे पास जितना भी हैगा सब आर्टिफिशियल हैगा, जो कि मैंने शादी से पहले भी लिया है, शादी के बाद भी लिया, जिसका मेरे पास बहुत सारा भंडार है, जिसको वो चाहिए वो लेने आ जाए, अदरवाइज ना आए। आर्टिफिशियल में भाई इतना सारा है कि शायद एक शॉप पे मिल जाएगा, और जो कि ब्राइडल होता है वो सब है मेरे पास। और वैसे भी लोग सब वही पहनते हैं, शादी में गोल्ड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है। मतलब भाई गोल्ड वोल्ड पैसे मत वेस्ट करो, पैसे लगाने हैं तो अपने खाने पीने और शरीर पे लगाओ, क्यों राइट लगाने हैं तो अपने खाने पीने शरीर पे लगाओ, क्यों मत करो। आज तो ऐसी हो गई, अगर वो बेडशीट ना भी चाहती है तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि घर में दीमक है। तो भाई गौशाला चल रही है, और भाई काम तो जोरों शोरों से चल रहा है ना, दिखाते रहेंगे
तो भाई गाँव के लिए भी आज खाना बढ़िया हो गया आज सुबह से। तो चलो जी, रोड तो एक नंबर का है, पहाड़ पूड़ बन रहे हैं तो। और ये देख लो भाई ना खा रही केला, ओए फिर मारना आ रही है इधर उधर हो रही है। रुक जा मैं गेट पकड़ लूं। फट गया वो, देख मैं कैसे निकल रही है। और ये देख यार भी मिलने आ रही है तुझसे। हेलो गाइस मैडम, गेट तोड़, ये गेट गेट तोड़ के भी आ सकते हैं उस साइड। खिला दे वो एक और आई है उधर, देख वो आई निकल जाए। इधर मुंह ही छोटा है। सांडर नू लेट हो गया, सांडर घर जाने का टाइम हो रहा है और ये बत्ती आने से बंद नहीं हो रहे। जी तू जाने दे घर, तेरी शादी नहीं हमारी हो रखी, खाना बनाना बर्तन धोने हैं, तू खड़ा तो खड़े है। टैटू दिखा, टैटू दिखा, टैटू दिखा, टैटू कितने का बनवाया? ये 5,000। शर्म नहीं आई तेरे को? 3 महीने की फीस, तेरे को यहाँ 3 महीने की फीस नहीं दी गई? साउंड लाइव वो छोड़ो, हमने कितनी मना की थी इसको, है ना ऋतिक? फिर बनवा के आ गए, मना करी थी, कितनी समझाई थी खड़े खड़े। ला रहा छपरी जैसा, तो बोलेंगे बिल्कुल छपरी जैसा ही लग रहा है तू, मुझे बोल रहा था। अरे मानेगा थोड़ी, ये हट सकता नहीं, वो तो बनने के बाद बोलते ही था वैसे। देख तेरी मोटरसाइकिल पे तूने इतनी ट्यूबलाइट लगवा रखी है छपरी हो जैसी, है ऋतिक मोटरसाइकिल पे? अब हाथ बनवा लिया, स्टाइल वो स्टाइल नहीं होता, स्टाइल होता है। इसको इसको मुंह से खाल निकाल दे, इतनी काट दे पूरा। चलो हाँ भाई, ज्यादा सपोर्ट बनाओ मेरे पति को। तो भाई अब थोड़ा राधे राधे, अब थोड़ा रूटीन को बदलते हुए, जैसे आप लोगों ने देखा ये मुझे 2.5 ईयर अब हो जाएंगे कि मैंने कभी मेड नहीं रखी, कभी मैंने मेड से कोई काम नहीं कराया, कभी मैंने मेड वाला सिस्टम रखा ही नहीं अपने साथ, राइट? तो ऐसे ही हम कुछ दिन अब देखते हैं कि भाई हम जिम भी ऐसे ही संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते, आई नो संभाल सकते हैं, बट एक थोड़ा एक रूटीन उठने बैठने का बदल जाता है। तो एक कुछ दिन इनको भी ट्रेनर से फ्री कर दिया मैंने, ऐसे मेरे घर में मेड नहीं रहा, इनके जिम में ट्रेनर नहीं, देखते हैं कितना संभाल पाते हैं अकेले। तो भाई आज से, कल से मतलब न्यू शुरुआत, आई होप कि ये चीज़ें हो जाएंगी, मुझे पता है हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 बंदे आराम से संभाल सकते हैं, और जितना एक ट्रेनर को आता है उतना तो मैं भी सीख गई हूँ 2.5 ईयर में, राइट? तो भाई इस लोग को यही एंड करते हैं और आपसे कल मिलते हैं। मॉर्निंग बाय, गुड नाइट, राधे राधे।